पांच मिनट लगने हैं सारा खर्च निकालने में, क्योंकि आप लोग सालों से करते आ रहे हो, आपको पता है मेरा महीने का खर्च कितना है। ये खर्च जो है 10,000 रुपए है, और 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। क्या मैं इसमें संतुष्ट रहूंगा? क्या मैं इसमें संतुष्ट हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? हां या ना? हां या ना? अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। 10,000 रुपए में मैं संतुष्ट नहीं, ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे, भाइयों की तरफ से ज्यादा सुनाई दे रहा है। ओके, 10,000 रुपए में मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये 11,000 रुपए के लिए जो मैंने काम करना शुरू किया, मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं संतुष्टि के लिए शुरू करने की जरूरत कर रहा हूं। 10,000 से जो 11,000 की तरफ मैंने बढ़ना शुरू किया, बस यहीं से मैंने सारी दुनिया की टेंशन इकट्ठी करनी शुरू कर। 11,000 से आप पहुंचे 1,00,000 रुपए पे। ये जो 90,000 का गैप है ना, इसने आपको इतना कुछ टेंशन दे दिया है ना लाइफ में, कि आप अब करने लगे कि अब इस पैसे का करें क्या। और अगर आप इस पैसे का कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये जो माइंड बैलेंस है ना, ये गड़बड़ा रहा है। क्यों? आप चाहते गरीब देते, कभी कोई आपको फकीर दिखता है रास्ते में, क्या उसको पैसे देते हैं? आई होप आप सबने दिए होंगे, सबने दिए होंगे, एक बार तो दिया होगा, नहीं बहुत बार दिया होगा, हर बार देते हैं। क्यों देते हैं, कोई भाई बता सकता है? इनको माइक दीजिए जी, आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ हमारा पुण्य का संचित खाता जो है, हमारे अगले जन्म का आधार बनता है, इसलिए हम पुण्य कमाने के लिए जोगुण देते हैं, पुण्य कमाने के लिए। बहुत उम्दा जवाब भाई के लिए, एक जोरदार तालियां हो जाए। पुण्य कमाने के लिए, देखिए हम पुण्य कैसे कमाते हैं, ये एक रिकॉर्डिंग है, ये अकाउंटिंग है, हमारे अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्म। जब हमें लगने लगता है हमारे बुरे कर्म बढ़ते जा रहे हैं, तब हम ये काम करते हैं पुण्य कमाने के लिए, अच्छे कर्म को बढ़ाने के लिए। सर ने जो कहा बैलेंस शीट की बात ना, ये वाली बात है कि हम पैसा इसलिए देते हैं, हम दान इसलिए करते हैं कि हमारा वो वाला जो पुण्य वाला जो बैलेंस है ना, वो बढ़े। और जब हम ये करते हैं तो हमारा माइंड जो है बैलेंस होता है, और ये हमारे उस तराजू का एक पहलू तैयार होता है। देना, सिर्फ इकट्ठा ना करना, देना। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जितना आप दोगे ना, कहीं भी थोड़ा दीजिए, ज्यादा दीजिए, जैसे भी दीजिए, इकट्ठा मत करिए। इकट्ठा करके उसको खराब मत होने दीजिए, सड़ने मत दीजिए। किसी के पास बहुत है, किसी के पास थोड़ा है, जिस पे ज्यादा है आप अपने आप उसको यूटिलाइज करिए, खाली मत रहने दीजिए। अगर आपके पास कई एकड़ जमीन है, और खाली पड़ी है, तो यकीन मानिए वो खराब जा रही है, उसका कोई वेस्ट नहीं। अगर एक साल भी वो खाली पड़ी रही है, तो आपने मौका गवा दिया है पुण्य कमाने का। उस पे किसी को खेती करने दीजिए, उसको किसी को मेहनत करने दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको वो वाला बैलेंस शीट बढ़ाएगी। और बॉडी बैलेंस के लिए आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बॉडी बैलेंस के लिए? कौन कौन एक्सरसाइज करता है? लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, जब चीजें खराब होने लगती हैं, हमको याद आता है कि अब इन्हें ठीक करें। कि होता क्या है, क्योंकि लाइफ हमारी चल रही है, मैंने बोला था शुरू में ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने हमको मशीन बना दिया है, मशीन बन चुके हैं, बस चले पड़े हैं, और अपने हिसाब से अपनी लाइफ का बैलेंस खो चुके हैं। बस जैसे चाहा, जहां जहां सब मिल गया उसको कर दिया। आज बहुत कम वक्त था, थोड़ी बातें मैंने आपको बताई, बट जो सीक्रेट मुझे पता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वो हमेशा याद रखिएगा कि काम में इतने मसरूफ मत हो जाइए कि घर में वक्त ना दे पाए, और घर में इतने मसरूफ मत हो जाइए कि काम को भूल जाए। बैलेंस करना जरूरी है, और वही सक्सेस का राज है।
मेरे लिए आपका क्या राज है आज घर सोचिएगा। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। छोटा हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेरणा दी आपने बैलेंस की। बैलेंस से ही हम सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और जिनका जीवन में बैलेंस होता है वही लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। आपने कम समय में बहुत ही ऊंची बात कही और जब हम अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ये क्यों कहा मैंने? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम सब शक्तिशाली हैं और ये आवाज हल्की नहीं होनी चाहिए। ये आवाज हल्की नहीं होनी चाहिए, ये ऊर्जा का स्रोत है। कुछ भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी। ठीक है, हाँ मैं शक्तिशाली हूं, हाँ मैं शक्तिशाली हूं, हाँ मैं शक्तिशाली हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।